What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 11th November 2019 मंडे है, सुबह के 8:06 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल छुट्टी है, गुरु नानक जयंती है, तो मार्केट कल बंद है, तो आज थोड़ा सा सुस्त मार्केट रह सकता है, एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल सकता है। हालांकि फ्राइडे को हमने देखा मूडीज, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसका एक रिपोर्ट आया कि उसने इंडिया के जो क्रेडिट रेटिंग रैंक वो देते हैं उसमें गिरावट आ गई है। तो फ्राइडे को भी मार्केट बंद होते होते जबरदस्त एक प्रेशर देखने को मिला और करीब 100 पॉइंट्स की गिरावट हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के या फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 8 नवंबर आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 12,021 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,989। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ओपन हुआ और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाया और फिर पिवट पॉइंट का इसने रेजिस्टेंस फेस करके जब ये नीचे आ रहा था तो फिर से हमारा फर्स्ट टारगेट 11,974, सेकंड टारगेट 11,962 ये अचीव्ड हुआ और इसी लेवल के पास ये पेनेट्रेट होते रहा काफी देर तक और यहाँ से सपोर्ट लेकर ये बाउंस बैक हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ। ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड हुआ था, हाई 12,034 का इसने हाई लगाया और फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ यह मूव हुआ। एग्जैक्ट हमारा जो सेकेंड जो टारगेट का लेवल था यहाँ पर एग्जैक्ट इसने फिर से एक जबरदस्त सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश की, पेनेट्रेट हुआ ये लेवल और जैसे ये लेवल को भी ब्रेक किया निफ्टी इंडेक्स में और भी हमें फॉल दिखाई दिया। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 19 पॉइंट का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 14,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। फ्राइडे को अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हरे निशान के साथ बंद हुए थे और यूरोपियन मार्केट देखे तो लाल निशान में बंद हो चुके थे, काफी प्रेशर देखने को मिला था। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स, चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। हांगकांग मार्केट 627 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर इस समय 75 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 31 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से थोड़े निगेटिव संकेत आ रहे हैं। देखते हैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट में आज के लिए क्या सपोर्ट और इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। निफ्टी इंडेक्स इसका जो ऑल टाइम हाई था उस लेवल तक करीब करीब पहुंच गया था, लेकिन ये जो 12,000 साइकोलॉजिकल बैरियर है इसी के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वीकली चार्ट में ये क्लोज नहीं हुआ 12,000 के ऊपर। अगर वीकली चार्ट में 12,000 के ऊपर क्लोज होता तो शायद चांसेस थे टेक्निकली कि और भी निफ्टी इंडेक्स में ऊपर के लेवल्स हमें आते हुए देखे, लेकिन यहाँ पर 12,000 के ऊपर वीकली चार्ट यानी बिग टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर क्लोज होता है तो टेक्निकल पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पास्ट में भी ये वीकली चार्ट में 12,000 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था, 12,000 के ऊपर ये वीकली चार्ट में क्लोज नहीं हुआ था। तो यहाँ पर 12,000 एक जबरदस्त रेजिस्टेंस का लेवल है। अभी लास्ट वीक इसने दोजी कैंडलस्टिक बनाया है, लॉन्ग लेग दोजी, ऊपर की तरफ इसने टेल छोड़ दिया है, यानी ऊपर की तरफ काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है, बुल्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो रहा है। तो अभी यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट 11,872 का होगा, डेली चार्ट में आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई देगा। ये लास्ट कुछ 4-5 दिनों से यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा है इस लेवल के पास 11,872, ये देखिए यहाँ पर। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स हमें और भी टूवर्ड साउथ की तरफ, जहाँ पर ये 20 EMA, ये देखिए ये पिंक लाइन जो है वो ऑलमोस्ट 61.8% का ये जो लेवल है 11,723 इसी के पास आ रहा है।
तो ये काफी यहाँ पर स्ट्रांग सपोर्ट होगा 11,700। पास्ट में हमने देखा था कि कई बार 11,700 के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एक हर्डल बन चुका था। तो पास्ट में जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 11,700 ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर की तरफ जाने के लिए 12,000 के ऊपर इसको वीकली चार्ट में क्लोज देना पड़ेगा। तो टेक्निकली पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाएंगी कि यहाँ से और भी टूवर्ड्स निफ्टी में अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी जो यहाँ से ज़बरदस्त अपसाइड मूव आया था तो थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन आना लाजमी होगा। तो फर्स्ट सपोर्ट 11,700 का होगा और ऊपर में 12,000 को अगर पार करता है, वीकली चार्ट में क्लोज देता है, तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। तो यह डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते 60 मिनट की चार्ट में आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर फ्राइडे का ये जो लो था अराउंड 11,887, ये अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,862। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 11,844। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा और अगर टूवर्ड्स निफ्टी नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो कंफर्टेबली पिवट पॉइंट को ब्रेक करने दीजिए। यहाँ पर ये जो लास्ट बियरिश कैंडलस्टिक बना है इसके ऊपर पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो इसको जैसे ही ये ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर, एक क्विकली टारगेट होगा 11,961, जहाँ पर ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है मूविंग एवरेज का, ये इस वक्त 11,961 के पास आ रहा है। तो ये हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा, छोटा सा क्विकली टारगेट, और उसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा 11,987। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।